जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2022 के बारे में, जो कि यहाँ पर हम कुछ टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या जो है सेकेंड लिस्ट जो है जारी होगी इस भर्ती की, है ना। और यहाँ पर जो मौका है आप लोगों के पास उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा इस रिज़ल्ट को लेकर आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती की जो भी अपडेट आती है या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है आप लोगों को सबसे पहले और सटीक जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पर हम पूरी डिटेल्स को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, आप लोगों ने अभी तक अगर रिजल्ट नहीं देखा है तो कैसे चेकआउट करना है, लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे चीज़ों को जो है समझना है। कट ऑफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी क्या गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, ये है ऑफिशियली वेबसाइट और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है आप लोगों का नोटिस आया था 25 मार्च को और इसी में क्या है कट ऑफ दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो कट ऑफ दी है मैंने इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं और लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। रिजल्ट वाला जो पोर्शन है इसमें आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कांस्टेबल जीडी दिया है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कांस्टेबल जीडी दिया है, इसमें आप आएंगे तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 25 तारीख को दो पीडीएफ आई थी, है ना। ये है आप लोगों की फ़ीमेल की, ठीक है, फीमेल की जो रिज़ल्ट की पीडीएफ ये है और नीचे में आप लोगों के मेल्स के रिज़ल्ट की पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ से जो लिस्ट है उन स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है जिनका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्लिक हेयर आप कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे चेकआउट यहाँ पर करना है। देखिए ये डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे रोल नंबर आपको सर्च करना है, ठीक है। नाम आपके एक नाम से अनेक विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रोल नंबर सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रोल नंबर सर्च करता हूँ, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पर आप सर्च वाले इसमें जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर करता हूँ तो यहाँ से सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इंतज़ार आपको करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 100400, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इतने इसे इसके जो भी स्टूडेंट हो गए, ठीक है, वो राइट साइड में यहाँ पे आपको सर्च नज़र आते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये सर्च हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सर्च होने में, तो आपको थोड़ा सा जो है वेट करना है, ठीक है, वेट करना है आप लोगों को। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉट फाउंड अगर आ रहा है तभी आप यहाँ पर जो है मानेंगे कि आपका नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको सर्च होने देना है और अपना रिजल्ट यहाँ पर चेकआउट करना है, ठीक है, इससे आप देख पाएंगे। अब हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इस वीडियो का जो टॉपिक था कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी। देखिए मैं आप लोगों को क्लियरली सारी चीज़ें समझा के बता देता हूँ, है ना। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, और आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके एसएससी की एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पर अभी जो है स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, ठीक है। ये 26 मार्च को जो है सैटरडे को होगा, तो ये 10 बजे जो है आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए होगा, जैसे बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेके जो है पूरी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा सुपर10 करके, है ना, सुपर10, तो आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मैंने जो बात की कि सेकेंड लिस्ट के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस बार नहीं हो पाया इस भर्ती में, ठीक है, कट ऑफ से बाहर हो गए। बाकी कट ऑफ इस बार वैसे ज़्यादा नहीं गई है अगर हम बात करते 2018 में जो भर्ती आई थी उसके अपेक्षा, ठीक है, तो वैसे तो कट ऑफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के कम नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो सेकेंड लिस्ट है, ठीक है, 2018 वाले स्टूडेंट्स ने भी इस भर्ती को देखा होगा, ठीक है, 2018 वाली भर्ती को, और यहाँ पर 2021 वाली जो भर्ती है इसमें मैं क्लियरली आप लोगों को बोल देता हूं कि सेकेंड लिस्ट की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला था 10 गुना, ठीक है, तो 10 गुना स्टूडेंट को जो है यहां पर फिजिकल के लिए जो है बुला लिया गया है, ठीक है। अब यहां पर कोई चांस नहीं बचते हैं कि आप लोगों की कोई सेकेंड लिस्ट आएगी। तो अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई बात चल रही है कि सेकेंड लिस्ट आ सकती है क्या, तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है, सेकेंड लिस्ट कभी नहीं आती है एसएससी जीडी में, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये उम्मीद आप छोड़ देंगे। दूसरी चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी 2022 जो चल रहा है, ठीक है, 2023 जनवरी फरवरी में जो है, ठीक है, 2023 में आप लोगों का जो है नया नोटिफिकेशन आने वाला है, लगभग लगभग जो है 45,000, ठीक है,
45,000 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। तो ये आप लोगों के पास अच्छा मौका है अगर आपकी एज अभी भी है। अब जिनकी एज नहीं है उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी बहुत जल्द यानी अभी आने वाले समय में आप लोगों के लिए और एक बार भर्ती आ रही है। तो अगर आपका इस भर्ती में नहीं हो पाया तो आप लोगों को ये सोचना है कि आने वाली जो भर्ती है उसमें आप लोगों को 101% सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि इतने जल्दी एक नई और भर्ती आ रही है। बाकी SSC GD में अगर हम बात करें तो प्रत्येक 4 साल में भर्ती आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास अच्छा मौका है, अभी से भी आप तैयारी करते हैं तो आसानी से SSC GD क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, बाकी सेकेंड लिस्ट की उम्मीद मत रखिएगा, सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी। इसके बाद सिर्फ फिजिकल होगा उन स्टूडेंट्स का जिनका लिस्ट में नाम है, ठीक है। चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैनल है, काफ़ी अपडेट आप लोगों को देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।